हमारी शादी के बाद मेरे महके में पहली शादी है ये, इसमें तो हमें एक साथ होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप एक महीने की छुट्टी ले लो, हम एडजस्ट कर लेंगे, अम्मा को भी संभाल लेंगे ना। एक सेकेंड भाभी आइए ना प्लीज। नहीं तुम लगी रहो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बताएं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, तुम अपनी बात करो, मैं बाद में आती हूँ। हेलो। भाभी थी तो उनके सामने बात तो नहीं कर सकती थी ना। हाँ अच्छा, नहीं मुझे और पैसे नहीं चाहिए, चाहिए होंगे तो बता दूंगी। भेजे तो है आपने। अम्मी अम्मी कहाँ है ये? अब बेटा अभी तुम्हारे ही पास आ रही थी, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। कितनी बार तुम्हें कहा है ये बर्तनों के ढक्कन जरा सही से बंद किया करो, अभी सारी चीनी गिर जाती, ढक्कन ऐसे ही ऊपर रखा हुआ था। मगर अम्मी मैंने तो ठीक से बंद करके रखा था। बेटा मैं ये सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही हूँ, तुम दोनों के लिए है ये। अच्छा कहो क्या बात कह रही थी तुम? वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अच्छा आप पहले बैठ जाएं। अम्मी आप मुझे गलत मत समझिएगा, वो दरअसल मैंने ना रूही को खिजर से फोन पे बात करते हुए सुना था, वो खिजर को पाकिस्तान आने का कह रही थी। पाकिस्तान क्यों? वो रूही के भाई की शादी है, वो चाहती है उस शादी में खिजर भी शामिल हो। और क्या? और वो कह रही थी कि किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस चुपचाप करके आप पाकिस्तान आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ 3-4 लाख ही तो खर्च होंगे। तो खिजर ने क्या कहा इस बात के जवाब में? दूसरी तरफ की आवाज तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन उसकी हंसी से लग रहा था जैसे खिजर उसकी बातों में आ गया। पूरी बात बताया करो, बिला वजह का तजस्सुस मत पैदा किया करो। अम्मी वो दरअसल ना रूही ना अपनी अम्मी और बहनों की शॉपिंग की रकम भी ना खिजर से मांग रही है, उसे जरा भी एहसास नहीं कि खिजर बेचारा बाहर कितनी मुश्किलों से कमाता है। अफसोस हो रहा था मुझे तो। अम्मी खुदा के लिए उसे मेरा मत बताइएगा। तुम अभी तक जाग रही हो? जी अम्मी ने कुछ काम बताए थे, बस वही निपटा रही थी। इस वक्त कौन से काम? हाँ आटा गूंद रही थी, अम्मी का कहना है अगर आटा रात को गूंदा जाए ना तो सुबह पराठे अच्छे बनते हैं, और इस तरह की बहुत सी उनकी लॉजिक्स हैं। क्या हूँ कुछ बोलेंगे आगे? तुम क्या चाहती हो कुछ कि मैं अम्मी को मना कर दूं कि तुमसे कोई काम ना करें? ये मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, खुदा के लिए उन्हें कुछ मत कहिएगा। पहले उस नई बहू के आने की वजह से मेरी बेकदरी शुरू हो गई है, और सोने पे सुहागा तो ये कि खिजर भी ज्यादा कमाने लगा। अनवार अब हम दोनों की बातों में वजन नहीं रहा, अब यहां हमारी कोई इज्जत नहीं करता। खुदा के लिए फिर से मेरे वो मुल्क से बाहर जाकर कमाने वाली रट लगाकर मत बैठ जाना यार। मैं बेहतर तौर पे समझ सकता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आप ना कुछ समझते हैं और ना ही कुछ जानते हैं। आपको पता है खिजर की कमाई का ना आधा हिस्सा सिर्फ अम्मी के पास आता है, और आधा हिस्सा रूही अपने पास रखती है, और उसने उन पैसों से ना किस्तों पे फ्लैट भी बुक करवा लिया है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खिजर मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करता।
जी जी, जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट होंगी ना, तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी। और यही नहीं, उन्होंने उसके बाद गाड़ी लेने का भी प्लान कर लिया, और आप ना बस यही छोटी सी दुकान संभालते रहिएगा। अब भी वक्त है अनवर, हर वक्त दूसरों का नहीं, कभी अपना और मेरा भी सोच लिया करें, अपना कारोबार बढ़ाएं आप। और कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे जाके मैं आपके मरहूम अब्बा से ले आऊं? मेरे मरहूम अब्बा से नहीं, अपने मरहूम अब्बा की इस जायदाद से। क्या मतलब, समझा नहीं। अनवर, अगर ये घर हम बेच दें और इसका हिस्सा हम ले लें तो? खबरदार, खबरदार, आज तो तुमने घटिया बात कर दी, आइंदा मत करना। घर बिक जाए, हर घर में होता है जायदादों का बंटवारा, बस यहाँ नहीं होगा। इनको अपनी नौकरी पसंद है बस। रोहित बेटा, तुम्हारी खजर से कोई बात हुई? किस हवाले से अम्मी? किसी भी हवाले से, फोन पे बात तो होती होगी ना? जी अम्मी, बात तो होती रहती है। बेटा, उससे ऐसी कोई बात ना करना जिससे वो परेशान हो जाए या उसका वहां दिल ना लगे। ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई है। अच्छी बात है कि कोई बात नहीं की तुमने उससे ऐसी। मेरा मतलब यह है कि आइंदा भी ना करना। वो पहली बार घर से इतना दूर गया है, और वो भी इतने अरसे के लिए। अम्मी, आपके लिए गरम पराठा लेके आऊं? नहीं बेटा, तुम, मैं तो खा चुकी हूँ, अनवर से पूछो। नहीं, मैंने भी कर लिया है, बस अब मैं चलूंगा। मैंने आपसे रात को बात की थी ना, वो पैसों के लिए मम्मी से करी। क्या बात है कुत्सिया? अनवर, कोई मसला है? नहीं अम्मी, जरूर इन्हें कोई मसला है, इसलिए तो कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या बात है अनवर, आपको कोई पैसे वैसों की तंगी है क्या? नहीं है कुछ। अगर किसी भी मसले के लिए मुझे मशवरे की जरूरत हुई तो मैं अम्मी से ले लूंगा, तुम फिक्र मत करो, समझी? अच्छा, खुदा हाफिज। जाओ बेटा जी, तेरा खैर से जाओ। क्या हुआ रोही, परेशान लग रही हो? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या बात, मुझ पे एतबार नहीं रहा, अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? भाभी, एतबार है आप पे, बहुत एतबार है। तो फिर बताओ ना। फैसल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब पाकिस्तान नहीं आ रहा? कहीं अम्मी ने तो नहीं? वो क्या, बताओ भी तो। वो खजर बोल रहे हैं कि बहुत खर्चा हो जाएगा। और क्या मतलब खर्चा बहुत हो जाएगा? मैं करूंगी उससे बात, तुम फिक्र मत करो। भला हमारी रूही की खुशियों से बढ़ के है पैसा? होता है खर्चा तो हो जाए, लेकिन रूही और खजर तो मिल लेंगे ना। पर की फिक्र तुम रहने दो, खजर के तो कान ऐसे खींचूंगी ना
कि वो तुमसे कोई भी गिला शिकायत करना भूल जाएगा। भला लो, बीवी के भाई की शादी और। अच्छा तुम तो अफसरदा ना हो ना, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ जाके अच्छी सी शॉपिंग करो, जाओ। शाबाश। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। इस शुक्रिया की क्या बात है, जाओ शाबाश। शॉपिंग करेगी। अम्मी, कहो कोई काम है क्या? अम्मी वो जो रूही ने अपने घर वालों के लिए तोहफे और कपड़े खरीदे हैं उनकी तस्वीरें भेजी हैं, आप कहें तो आपको दिखाऊं? हाँ जरूर दिखाओ। ये देखें। बहुत अच्छे हैं। जी अम्मी, जितने अच्छे हैं ना उतने महंगे भी हैं। बस मुझे तो खजर बेचारे का ख्याल आ रहा था, वो इतनी दूर दिन रात मेहनत करके मुश्किल से पैसे कमाता है और रूही अपने घर वालों पे इतनी बेदिली से लुटाई जा रही है। तुम जरा खिजर से मेरी बात तो करवाओ। सोच तो मैं भी रही थी कि आपसे कहूँ कि आप खिजर को समझाएं, मगर ये गुस्ताखी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि खिजर बेचारा इतनी दूर बैठ के आपकी डांट सुने, जबकि सब में उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है। उसे तो बस घर की गुर्बत का बता के बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मेरी बात करवाओ खिजर से अभी, और मैं रूही से भी आज बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मेरी माँ ने तो कुछ दिन तक तो आप रूही से कोई बात ना करें, अभी नई नई आई है, अगर उसने खिजर के कान भर दिए तो कहीं खिजर हम सबसे बदसन ना हो जाए। मैंने कहा है ना मेरी खिजर से बात करवाओ, मिला के दो नंबर। अम्मी आप मेरी बात समझे ना, आप अभी रहने दीजिए वरना खिजर परेशान हो जाएगा और कुछ उल्टा सीधा ना समझ जाए वो। सुना नहीं तुमने? जी बुलाती हूँ, ये लीजिए, आप बात कर लें तो फिर मुझे बुला लीजिएगा। हेलो खिजर बेटा, कैसे हो तुम? अब पता चलेगा मेरे शोहर के पैसों से बाहर गए और मुझे ही जलाने लगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर। सॉरी खिजर, मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह अम्मी ने तुम्हें डांटा। वालेकुम सलाम भाभी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहिए। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, लेकिन खैर वो हमारी बड़ी हैं, हम कह भी क्या सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। जी वैसे मैं तो उनके लहजे की तलखी देखती वहां से चली गई थी, लेकिन तुम ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें ज्यादा तो नहीं डांटा? मेरा मतलब है उन्होंने तुम्हारा दिल तो ज्यादा नहीं दुखाया? काफी नाराज हैं मैं, उन्हें ऐसा लगता है कि रूही के घर वालों को मैं यहाँ से पैसे भिजवा दूं। ओह अच्छा, ये तो वाकई बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम तो बहुत हिसाब किताब के साथ पैसे भेजते हो ना? जी भाभी मैं तो यहाँ खुद के लिए बहुत थोड़े से पैसे रखता हूँ, बाकी सब घर भिजवा देता हूँ। खैर ये तो वो मसले हैं ना जो तुम बताओगे तो हल हो जाएंगे,
लेकिन खिजर कुछ ऐसे मसले भी हैं जो पता चलने के बाद और ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। क्या मतलब भाभी? ऐसे कौन से मसले? देखो खिजर, तुम मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हो। मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। क्या भाभी? बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ, क्या सारी रात तुम ही रूही से बात करते हो? हाँ, नहीं भाभी, मैं तो उसको कॉल करता हूँ तो फिर मैं जल्दी फोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो सुबह ऑफिस जाना होता है। अच्छा, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। देखो खिजर, मैं कुछ दिनों से रूही की कुछ ऐसी हरकत देख रही हूँ, पर फिर भी मैंने पहले तुमसे ही तस्दीक करना मुनासिब समझा। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज आप कहिए जो कहना चाह रही हैं। वो तुम्हें धोखा दे रही है। अपने कजन सलमान के साथ मिलके तुम्हारे अत्मा को ठेस पहुंचा रही है। देखो खिजर, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत और अपनी कमाई दोनों हाथों से रूही पर लुटा रहे हो और वो तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचा रही है। इसलिए मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुम वहां बैठ के शोर शराबा करने के बजाय यहाँ आकर कोई फैसला करो। ठीक है भाभी। अब देखती हूँ कैसे ये लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं और ऐश करते हैं। इस तरह आंसू छुपा लेने से दर्द कम नहीं होता। हाँ, लेकिन दर्द बांट लेने से जरूर कम हो सकता है। मुझे कोई गम कोई तकलीफ नहीं है भाभी। हम तो मुझे इस बात का है कि अम्मा जी ने मुझे सुना दी तो बस मेरा दिल भरा है। तुम्हारा तो सिर्फ दिल भरा है ना, हो सकता है अम्मी का दिल तुमसे भर चुका हो। क्या मतलब? देखो रोहित, अम्मी कह रही थी कि जब से खिजर बाहर गया ना तो तुम्हारे परपुरजे बहुत निकल आए हैं और तुम जिस तरह से खिजर की कमाई अपने घर वालों पे लुटा रही हो और उसे उसी की माँ के खिलाफ कर रही हो, तुम इस घर से मुखलिस नहीं हो। वो तो कह रही थी कि इससे अच्छा होता वो तुम्हारी जगह किसी और को ही ले आती। ऐसा कहा उन्होंने आपसे? हाँ, और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता के तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। फैसल ना जाते बाहर तो अच्छा होता। अब ये तुम जानो और खिजर। लेकिन देखो रूही, शौहर को सारी बातें नहीं बताई जाती। मर्द बहुत कमजोर दिल का होता है, अपनी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आके वो कमरे की भी सारी बातें बता देता है। तभी तो मैं कहूँ भाभी के अम्मा जी को मेरी हर बात कैसे पता चल जाती है। आपको पता है मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी बहनों के साथ शॉपिंग पे गई थी और हमने एक जैसी मैचिंग ज्वेलरी और कपड़े लिए थे। हाँ, यही बात मैंने खिजर को बताई और उनको लगा कि वो सब चीजें मैंने घर वालों के लिए ली। तो तुम्हें खिजर को बताने की क्या जरूरत थी? आता तो दिखा देती। वो नहीं आएंगे, बताया था ना मैंने आपको। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, मैंने उसके कान खींचे हैं। बस बहुत हो गया मेरी इतनी प्यारी सी देवरानी पे जुल्म। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन यकीन माने वो आ जाएंगे ना तो बहुत तमाशा लगेगा। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी ये खुशी के मौके रोज रोज थोड़ी ना आते। बस
अब तुम ज्यादा मत सोचो और सिर्फ इंजॉय करो। चलो शाबाश, अपना मुंह ठीक करो। भाभी, अम्मी आ गई? नहीं, आज अम्मी सलमा आपा की तरफ गई हैं, और उनकी आदत है जो भी उनके जाता है उसे इतनी आराम से नहीं आने देती। बहुत अच्छी हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करती हैं। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं? देख नहीं रही, सोच रही हूँ। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने होंगे, और घर के इतने सारे काम, अम्मी की डांट, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। खैर है भाभी, ये सब तो चलता है। चलो ठीक है, वैसे देवर जी तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? पता नहीं, कल से फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह करे काम की मसरूफियात हो, दिल पर मत लेना। वैसे भी तुम अच्छे दिल की हो, साबिर हो। अब मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने महके चले जाओ, वहां शादी में अपनी माँ बहन का हाथ बटाओगी तो इस रूटीन से भी छुटकारा मिलेगा, अच्छा लगेगा तुम इस तरह। ठीक है भाभी, मैं खजर से फोन पे बात होती है तो उनसे पूछ लूंगी, और अम्मी का मूड ठीक हुआ तो उनसे भी पूछ के फिर चले जाऊंगी। लो जी, फिर तो तुम्हें इजाजत है, शादी गुजरने के बाद ही मिलेगी। और बता रही थी ना तुम अभी कि खिजर भी तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके पास वक्त नहीं है। और तुम्हें पता है अम्मी का जब मूड एक दफा खराब हो जाता है तो कई दिन तक ठीक नहीं होता। मैं क्या करूं भाभी? अरे तो तुम चली जाओ, मैं उन्हें समझा दूंगी कि मैंने कहा था, मेरे कहने पे गई हो। पर फिर वही बात, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं बता दूंगी उन्हें कि मैंने कहा था। चलो घर से किसी को बुलाओ और उसके साथ चली जाओ। ठीक है, फिर आप अम्मी और खजर से बात कर लीजिएगा, और अगर मेरी खजर से बात होगी तो मैं उनको बता दूंगी कि मैंने आपको बता दिया था। हाँ बाबा, बता दूंगी, समझा दूंगी उन्हें। अब जाओ शाबाश। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की अम्मी, लेकिन रूही मानी नहीं। कहने लगी जिस घर में सरबराह कोई उसकी हर बात पे एतराज हो तो क्या जरूरत है उसे यहाँ रहने की। हैरत की बात है, मेरे सामने तो उसने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। खिजर को तो बता कर गई होगी। पता नहीं। अच्छा मुझे खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा मेरे लिए खाना मत निकालना, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई अम्मी, इतनी सी बात पर आप खाना पीना छोड़ देंगी? ये इतनी सी बात नहीं है अनवार, रूही इस घर की बहू है, उसे आप लोगों से पूछ के इस घर से कदम बाहर निकालना चाहिए। वो तो बिल्कुल ऐसे चली गई जैसे शादी से पहले अपने खालाजा सलमान के साथ घूमने फिरने निकल जाती थी, और तो और उसने मुझे खुदाफिज तक नहीं किया, ऐसे चहक रही थी जैसे कि यानी उसका भाई नहीं उसे यूं किया। नहीं अम्मी, वही उसका खालाजा सलमान आया था जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। सुना है बहुत अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिली है, और कंपनी वालों की तरफ से बड़ी लशपश कार भी मिली है। रूही तो बहुत खुश थी उसकी एकदम से इतनी बड़ी तरक्की होने पे। अब मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। आ रही हूँ, अब पर तो लगे नहीं है, जोड़ के पहुंच जाऊं। खिजर, तुम आओ।
अंदर आओ आओ। अच्छा किया खिजर जो तुम आ गए। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं और क्या क्या बताऊं। पहले तो बस वो सलमान से फोन पे छुप छुप के बातें किया करती थी और जब से तुमने उसे कॉल्स और मैसेजेस करना छोड़ा तो बस समझो जैसे उसके दिल में चोर आ गया था। खुद ही से घर छोड़ के चली गई। ये क्या कर दिया इसने? मैं ये सोच कर आया था कि उससे पूछूंगा, क्या हो सकता है कि ये कोई गलत फहमी निकले, लेकिन इस तरह से घर छोड़ के जाना, इसने मेरी गलत फहमी को यकीन में बदल दिया। अरे किस चीज की कसर छोड़ी थी मैंने? हमेशा सब कुछ दिया इसको, क्यों क्यों? अब छोड़ो भी खजर, ऐसी औरतों को प्यार मोहब्बत इज्जत से कोई सरोकार नहीं होता, इन्हें तो बस पैसा चाहिए होता है। अरे पैसा तो मैंने उसको उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है भाभी, सोना कपड़े प्यार एतबार इज्जत सब कुछ, कभी किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी और आप गवाह हैं इस बात की। सलमान की 5 लाख महाना की नौकरी लगी है, ऊपर से अबाई घर का हिस्सा भी मिल गया, महीनों में करोड़पति हो गया ना। बस यही बात रूही को भा गई होगी। शादी तो उसने अपनी मर्जी और खुशी से की थी ना मुझसे। हाँ तो तुम भी तो उस वक्त सलमान से ज्यादा बेहतर थे हैसियत में, अब वो तुमसे ज्यादा बेहतर है, समझो इस बात को खिजर। करती हूँ मैं रूही की माँ से बात, हमारी भी कोई इज्जत है, ऐसे कैसे तुम खामोशी से तलाक देके चले जाओगे? पता तो चले सबको कि ये हो किसकी वजह से रहा है। अब क्या फैसला करवाना है, जब उस लड़की ने घर बसाना ही नहीं, ऊपर से उसने हमारी शराफत का मजाक उड़ाया। भाई अम्मी ठीक कह रही है, उसने जो मुझे धोखा दिया है उसकी उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अगर मैंने इस तरह खामोशी से तलाक दे दी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं गलत हूं। सोच कुत्सिया सोच, अगर ये लोग रूही के घर वालों के साथ बैठ गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई ऐसा खेल खेलना होगा कि ये बात फौरन ही तलाक तक पहुंच जाए। हेलो रूही, क्या अभी तक ढोलक हो रही है? बहुत मजा आ रहा है क्या? खिजर ने तुमसे अभी तक रابطہ नहीं किया, उदासी हो रही है अब। अच्छा ऐसा करो तुम मुझे पिक कर लो, देखना चुटकियों में तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगी। मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, बहुत दिल चाह रहा है मेरा भी तुम्हारे पास आने को, और कसम से तुम्हारी याद भी बहुत आ रही है। रूही वो तुमने मुझे बताया था ना, वो तुम्हारा कज़न सलमान, वो भी आया हुआ है शादी की तकरीब में और तुम्हारे घर रुका हुआ है। ऐसा करो
उसके साथ आ जाओ मुझे पिक करने। मैं उससे शादी के हवाले से भी बात कर लूंगी और उससे मुलाकात भी हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। रोहित तुम आ गई? जी, सलमान बाहर गाड़ी में। आप, आप कब आए? क्यों बुरा लग रहा है मुझे यहाँ देखकर? नहीं बुरा तो नहीं लग रहा, क्यों लगेगा? जाहिर है, यकीन तो नहीं आ रहा होगा ना कि इस तरह से तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। हाँ यकीन नहीं आ रहा, आपने ही तो मना कर दिया था आने से। इसलिए मना किया था ताकि तुम्हारी चोरी रंगे हाथों पकड़ सके। रंगे हाथों? क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? खिजर तुम मुझे बात करने दो, और वैसे भी तुम जानते हो ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो दिल की मरीजा हैं वो, और अनवार भी ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं। तुम दोनों बाद में तहमुल से बात कर लेना, अब जाओ तुम, मैं बात करती हूँ। इसे कहते हैं भाभी कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या हो गया था तुम्हें रोहित, शोहर इतने अरसे बाद आया और तुम? अभी कैसी बातें कर रहे हैं, शक कर रहे हैं मुझ पे? आपने बोला था सलमान को साथ लाने को। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, सब बता दूंगी। अम्मी भी नींद की गोली खा के सो गई हैं, सुबह तक इसका गुस्सा ठीक होगा ना तो मैं सबके सामने इसके कान खींचूंगी। अब तुम सलमान को लेकर जाओ, ऐसा ना हो कहीं वो गुस्से में से कुछ कहते। मैं सबके पास, फिर सलमान के साथ, मैं उसके साथ गई तो? खुदा ना खास्ता, इस बात में कौन सी सच्चाई है? मैं उसे बताऊंगी ना कि मैंने ही कहा था उसे साथ लेके आओ। भी आप इन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा, बताइएगा कि पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, वहाँ मेरे घर में किसी को कुछ पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कुछ बुरा नहीं होगा, ज्यादा सोचो मत और जाओ। शाबाश, मैं समझा दूंगी उसे, चलो शाबाश। प्लीज आप समझा देना। हाँ हाँ मैं बात करती हूँ ना उससे, तुम परेशान नहीं हो ना, जाओ शाबाश। शाबाश कुत्सिया, क्या चीज हो तुम? अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर लिया, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बताया था मेरी देवरानी और मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है? बस समझो अब जाके थोड़ा सुकून मिलने वाला है। हाँ मेरी देवरानी से बस आज कल में जान छूटने वाली है। हाँ मेरा देवर उसे तलाक देने वाला है। हाँ और कौन हो सकता है, मैं ही तो हूँ उन दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा करवाने वाली। अच्छा मुझसे वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। तुम्हें याद है वो जैसे कॉलेज के दिनों में तुमने अपनी शौहर की पहली मंगेतर क्या नाम था उसका, रानिया, उससे उसकी मंगनी तोड़वाई थी? अरे तौबा करो, देवर पे तो नहीं, हाँ लेकिन उसकी कमाई पे जरूर मेरी नजर है। तुम तो जानती हो मेरे शौहर ने सोच लिया, उन्होंने तरक्की नहीं करनी, जो है जैसा है बस उसी में खुश रहना, मगर मुझे तो कुछ सोचना होगा ना। हाँ बस तुम दुआ करो बस इन दोनों की जल्दी से तलाक हो जाए, तो मैं तुम्हें दुबई से एक अच्छा सा परफ्यूम मंगवा के गिफ्ट करूंगी। हाँ हाँ वादा, पक्का वादा। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ, अल्लाह हाफिज। अनवार, अनवार, अनवार छोड़े ना, क्या कर, अनवार क्या, अनवार अनवार क्या कर रही है, छोड़े मुझे, छोड़े ना, क्या कर रही है, क्या इतना शोर है, हो क्या रही है? ओहो अरे गुनहगार तू ही नहीं, क्या है अम्मी? मैंने सही वक्त पर हमारी मदद फरमा दी,
और इसकी चाल इसी की जबानी मैंने सुन ली। अनवर क्या बात कर रहे हो तुम, कैसी चाल? ये खुद बताएगी, बताओ। जिस तरह हंस हंसकर तुम अपनी सहेली को अपने कारनामे बता रही थी, खिजर को और अम्मी को बताओ ना। ताकि के लिए मुझे माफ कर दे। बताओ नहीं तो हाथ उठ जाएगा मेरा। क्या कह रहे हैं ये अनवर, बोलो। मुझे माफ कर दे, लालच ने अंधा कर दिया था। रूही और खिजर पे मैंने ही फूट पड़वाई थी। अनवर भाई, मैंने ही गलती की है। मैंने रूही को गलत नजर से देखा और समझा। नहीं फिजर, तुमने रूही को उसी नजर से देखा है जिस नजर से तुम्हें दिखाया गया है। हाँ बेटा, इसलिए तो कहते हैं कि मियां बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उससे कहीं ज्यादा नाजुक होता है। इसीलिए आपस में एतमाद और बाहमी मशावरत बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी, इन्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। गलती मेरी, मैं इन सब के सामने अपनी गलती की तुमसे माफी मांगना चाहती। मुझे इस तरह से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था, तुम पे भरोसा करना चाहिए था। हाँ बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ और जिंदगी में तुम दोनों आगे बढ़ो। और अनवर तुम भी। प्लीज अम्मी, सिया के बारे में मुझे कोई नसीहत मत कीजिएगा। ये औरत अब मेरे दिल से उतर चुकी है। जो औरत हसद और लालच में इतनी अंधी हो जाए कि उसे अपने रिश्तों की पहचान न रहे, ना वो इस घर में रहने के काबिल है और ना ही मेरे दिल में। नहीं अनवर, नहीं, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे इस घर से मत निकालिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं आती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दिया। अब उसने भड़का दिया, मैं पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दे खुदा के लिए। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है कुत्सिया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कुत्सिया कि बड़ा भाई एक बाप की जगह तो बड़ी भाभी एक माँ का रूप होती है। लेकिन तुम ये बात कैसे समझ सकती हो कि तुम माँ नहीं हो? शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें माँ नहीं बनाया। तो तुम ना इस घर में रहने के काबिल हो और ना ही मेरे दिल में। मैं तुम्हें तलाक। नहीं भाई, प्लीज भाभी को माफ कर दे, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। और माफी मांगने पर तो खुदा भी माफ कर देता है। मैं तो अपने लायक नहीं था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाई, मेरी खातिर। तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई देखा तुमने कुर्सी, देखा तुमने, शर्म करो। यही थी ना जिसका तुम घर बर्बाद करने जा रही थी, यही आज
तुम्हारा घर बचाने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दे। नफरत में और लालच ने मुझे अदा कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम बहुत अजीब हो, बहुत बड़े दिल की मालिक हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, मैंने आपको माफ किया। शुक्रिया, शुक्रिया तो।